दोस्तों, आज की यात्रा हमारी होने वाली है पूर्णागिरी की ओर। लेकिन उस यात्रा में जाने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं लगभग 250 से 300 लोग। तो उनके स्वागत के लिए अभी हम जा रहे हैं जगबुड़ा पुल की तरफ, और उसके बाद हमने सबसे पहले करनी है शारदा आरती, वो भी टनकपुर में, और उसके बाद सीधा चले जाएंगे टनकपुर और आप लोगों को दिखाएंगे कि पूर्णागिरी की ये जो यात्रा है ये होगी किस तरीके से। रात की यात्रा है तो देखते हैं कैसा रहता है हमारे साथ। चलिए, स्वागत की तैयारियाँ, ये कुछ बहनें फूल डालने के लिए और बाकी के लोग जो यात्रा में हमारे साथ पूर्णागिरी तक जाने वाले हैं। साथ में पुलिस प्रशासन वगैरह भी है और अभी पीछे से आ रही हैं गाड़ियाँ। यात्रा हो चुकी है प्रारंभ और कुछ इतनी भीड़ है, पूरी रोड जाम हो चुकी है इतनी भीड़ से। फिलहाल हम लोग भी आगे जाएंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग टनकपुर में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमारी आगे की यात्रा होने वाली है माँ शारदा की आरती के लिए शारदा घाट टनकपुर में। तो भैया नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, स्वागत है आप सभी लोगों का ललित कॉलोनी ब्लॉग्स में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ पूर्णागिरी मंदिर के ठीक गेट पर, और आज की यात्रा होने वाली है पूरी पूर्णागिरी मंदिर के मुख्य द्वार तक। अब इस पूरी यात्रा में हमें आगे क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ पर हम रुक सकते हैं, कैसे हम पूरे मंदिर तक की दर्शन कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे और देखते हैं कि कैसा रहता है रात के समय यात्रा करना पूर्णागिरी मंदिर की। हमारे साथ इस यात्रा में हैं अर्पित जी, सुशील जी, माता दी, जय माता दी, और दो भाई लोग हैं जो चंपावत से हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए ऊपर की ओर, लेकिन अभी हमें आने लग गई है कीर्तन की आवाज़, तो देखते हैं क्या चल रहा है। अभी अभी एक बहुत ही शानदार कीर्तन भजन चल रहे थे यहाँ पर, जागरण, उसके आनंद ले रखा है। और ये पूर्णागिरी की वो जगह है जहाँ से दो रास्ते कटते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं अभी उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से पूर्णागिरी के लिए दो रास्ते कटते हैं। उनमें से पहला रास्ता ये जो सामने सीढ़ियों की तरफ से जा रहा है, इसे सीढ़ियाँ होने की वजह से थोड़ा सा लंबा मानते हैं, जबकि ये जो साइड से रास्ता जा रहा है इसमें प्लेन रास्ता है तो घुटनों पर जोर कम पड़ता है, इसलिए उसे थोड़ा छोटा मानते हैं, पैरों पे दर्द कम होता है। लेकिन हमने चुना है सीढ़ियों वाला रास्ता हमारे सुशील जी के कहने पर, तो आज के दर्शन होने वाले हैं इसी सीढ़ियों वाले रास्ते से। फिलहाल जा रहे हैं ऊपर की ओर, और ऊपर जाते हुए जो हमें पहला मंदिर मिलेगा इस मोड़ के बाद, वो है प्राचीन धुनी नवदुर्गा ज्योति दर्शन स्थल, बिल्कुल हमारे बगल में है। अभी तो खैर हम यहाँ जाएंगे नहीं, वापसी में ही जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो पूर्णागिरी की जो सबसे विशेष बात है वो है कि यहाँ की जितनी भी धर्मशालाएं हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, मतलब यहाँ सोने की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है। आप लोगों को सुबह उठ के केवल प्रसाद देना होता है, वो प्रसाद लो और अपना आपका जो किराया है वहाँ रहने का वो कंप्लीट हो जाता है उससे, और व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। ये देखो, ऐसी बढ़िया सोने की व्यवस्थाएँ, आपको सुबह प्रसाद लेना है, मैया को चढ़ाना है और फ्री आपका रहना। कोई आदमी था सीढ़ियों वाले रास्ते से चलते कहने वाला तो यही था, और अब हालत ही हो चुकी है कि सबसे पीछे कोई है तो यही है। तो कुल मिला के सीढ़ियों वाला रास्ता थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, लेकिन समय कम लगता है यहाँ से, और उस वाले रास्ते से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो सुशील जी कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बोलो खाली बढ़िया नहीं। जय माता दी, जय माता दी। तो मैंने फर्स्ट वाली चाल नहीं दिखाई ना, वरना अभी खुद कंपेयर करते हैं आप सुशील जी की। अगर आप सीढ़ियों वाले रास्ते से आते हैं तो भी इस जगह पर पहुंचेंगे, और ये वाला रास्ता है जो आप, मैंने आपको नीचे दिखाया था प्लेन रास्ता,
और उसी रास्ते पड़ता है ये झूठे का मंदिर। इसकी कहानी अगर आपने मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखी है, मतलब अंकल ने बताई थी कि झूठे का मंदिर, ये जो मंदिर है ये क्यों है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं सीधी रोड पर ऊपर की तरफ। इस रास्ते में हमें अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बहुत सारे मंदिर हैं, दुकानें जिनमें हमें उसमें टोपी डेली यूज़ का सामान, वहाँ कुछ चीज़ें और हैं। यहाँ पर हनुमान जी और गणेश जी का मंदिर है, यहाँ आप अपने परिवार के लिए यहाँ से कुछ यादें लेके जा सकते हैं कि आपको याद रहे पूर्णागिरी के मंदिर से कुछ लेके आए थे। फिलहाल रात हो चुकी है और मेरे साथ के जितने भी लोग थे वो लोग थक चुके हैं, तो वो लोग पता नहीं कितने पीछे हैं। वेट कर रहा हूँ उन लोगों का भी, लेकिन पता नहीं मेरी गति ज़्यादा है, वो लोग गति धीमी है, क्या है, बहुत देर हो गई रुका हुआ उन लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और दिखाते हैं किस किस चीज़ की दुकान है यहाँ पर। ये कुछ शॉपिंग चल रही है, यहाँ रहने की व्यवस्था है, यहाँ आपको अमूल गोल्ड स्प्राइट वगैरह इस टाइप की सारी चीज़ें जो डेली यूज के लिए आपको चाय और नाश्ता वगैरह चाहिए वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। मैया के लिए सिंदूर या अपने लिए आपको घर ले जाना हो। और सामने पे है प्रसाद पानी और यहाँ भी प्रसाद की दुकान। अभी हम लोग पहुँच गए काली मंदिर से ऊपर और पूर्णागिरी मैया की जो मेन सीढ़ियाँ हैं वो यहीं पर से स्टार्ट होती हैं, लेकिन हमारे जो साथ के हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं यार, कैसे चल रहे हैं, पीछे ही रह चुके हैं बहुत। चप्पल उतारने यहाँ कहीं, चप्पल उतार के फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पहुँच गए कार्यालय में और यहीं पर चप्पल उतारने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने ऊपर के रास्ते पर। हम लोग पहुँचने वाले मैया के ठीक दर्शन करने के लिए बिल्कुल उनके मुख्य द्वार के पास में, मतलब जहाँ पर मैया का मैया की नाभि गिरी थी उसी जगह पर हम जाके देखते हैं। हाँ मैंने तो दे दिया, चलो आगे बढ़ो। जय हो, जय माता दी, जय माता। मैया के दर्शन हो चुके हैं कंप्लीट, अंदर प्रसाद वगैरह भी चढ़ा दिया था, वापस भी मिल गया है और अभी बैठ रखे हैं यहीं पर, बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। और ये दिख रही है जो माँ पूर्णागिरी के प्रति आस्था है लोगों की, वो ये जो आपको बांधा हुआ दिख रहा है इसके पीछे रीज़न ये है कि लोग अपनी कुछ मन्नत मांगते हैं तो उसको पूरी हो जाएगी, तब उसको खोलने आऊँगा ऐसे करके यहाँ पर दीवारों पे जो बांधे रहते हैं। इतनी सारी बधी हुई है, आप देख लो पूरा नीचे तक बहुत ही भीड़ है। अब पी जा रही है चाय। सुशील जी भाई साहब के सौजन्य में आज हम पहली बार पूर्णागिरी के अंदर चाय पियेंगे। तो फिलहाल हमारी हो चुकी है वापसी और अभी हमें जहाँ पर मुंडन संस्कार किया जाता है उस जगह पर, पीछे रात के 1 बजे भी मुंडन संस्कार चल रहा है। भाई साहब भीड़ दिखाऊं आपको, ये है मुंडन संस्कार करवाने वालों की भीड़ और यहाँ पर चल रहे हैं ये देखो मुंडन, ये बेचारे नींद में मुंडन हो जा रहा है लग रहा है। माँ पूर्णागिरी के इस दरबार में सब मन्नत मांगे रहते हैं कि भैया हम अपने बच्चों के बाल चढ़ाएंगे वगैरह, तो यहीं पर आके बाल चढ़ा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। मेरे पास है ये इतना सारा प्रसाद, कोई 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 परिचित मिल गए थे तो प्रसाद की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल नीचे की ओर जा रहे हैं और लोग भी उठ के तैयार होना शुरू कर दिया, क्योंकि रात में भीड़ कम होती है तो सब लोग तैयार होकर जाएंगे अब वापस। हमारे पास दो चॉइस हैं, एक ये है जिसमें सीढ़ियाँ हैं, एक ये है जिसमें सीढ़ियाँ नहीं है। अब आते समय क्योंकि सीढ़ियों वाला रास्ता चूज़ किया है तो अब जाएंगे हम सिंपल और शानदार रास्ते पे। और फिलहाल हमें झूठे के मंदिर के बिल्कुल पास में, जिसमें प्रणाम कर रहे हैं हमारे आदरणीय सुशील जी भाई साहब, और ये है समतल रास्ता बिना सीढ़ियों वाला। रात के 1 बजे बोर आ गया है। भैया कहाँ से आए हो आप? यहाँ से आप आई है। फोटो नहीं खींची तेरी? खींचनी है तो
फिलहाल पहुंच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर के गेट पर। कुछ ऐसा है यहाँ का गेट। माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के बाद वापस तो जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग रुके हुए थे उसी जगह पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर दिख गए हैं कुछ माँ के भक्त जो कर रहे हैं कुछ ऐसे अपनी भक्ति का प्रदर्शन। यहाँ पर कुछ भक्तगण भजन वगैरह गा रहे हैं, मतलब हारमोनियम तबला से बजा रहे हैं। और ये है युवाओं की मस्ती, ये है इनका जोश, और ये है माँ पूर्णागिरी के प्रति इनका समर्पण।